खबर खरगापुर से है, जहां एक 28 वर्षीय विवाहिता महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। दरअसल पूरा मामला पलेरा के बमोरी का थाना जरैया गांव का है, जहां 28 वर्षीय गीता ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद मृतक महिला के पिता ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कार्रवाई की मांग की। महिला के पिता ने बताया है कि शादी के बाद से पति लगातार पैसे को लेकर मारपीट करता था, यही वजह है कि सास ससुर और लड़के ने मार कर टांग दिया, जिसको लेकर उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। हालांकि पुलिस ने समझाइश देकर शव का पीएम करवाया है और परिजनों को सौंप दिया। लाहौर गांव के रहने वाले। लाहौर क्या हो गया? ये हुआ सर के, मतलब 10 साल हमारी लड़की को मतलब शादी हुए हुए, तो हमेशा ये लोग मांग करते रहे कि तेरे बाप ने कुछ नहीं किया, तो ये केवल 4-6 महीना तो सही रही हमारी लड़की, लेकिन पढ़ी लिखी थी, 12 पास थी, वो एडजस्ट करती रही। हमने कही बेटा अब ठीक है, हमने कछु नहीं दो, तुम अपने शांत रहो, सऊत रहो, उनकी माँ पीटी मताई तो कर लेती अपने बाप से मंगा। 8-8 दिन हमारी लड़की भूखी रही, डिलीवरी भाई जब बिटिया का सहन नहीं भाई, डिलीवरी मुड़गी भाई थी पत्ता टूर पहुँचा दो, तो लैका खांजे मतलब रोटी खवा रहा है, हमारी मोड़ी से कह रहे नहीं मायके से मंगा रोटी तब दें, तो इधर कछु नहीं लगाते मायके से मंगवा। हर बार हम मोड़ी के लाने पैसा डालते, फिर जब इनकी गुटमेंट भाई के जब ऐसा नहीं, तो ये है दो जेठ जेठानी सास ससुर और वही लड़का गोलू, इनने सब ने मिल के फिर पहले इनने बुलाओ से एक घर में पेड़ दाओ, तो हम लोगों ने बीच में बुलाया, हम गाँव से आए, अपने गाँव के मतलब 2-4 आदमी भी लेके आए गांव से कि चलो भैया देखें हमारी लड़की में गलती है कि मतलब की में गलती है, एडजस्ट करेंगे, तो होते हमारी लड़की की गलती नहीं पाई गई, ये कहते नहीं तिल डारो ये तो बारो, समझाओ जाओ हम लोगों ने बिटिया शांत हो गई। इसके बाद फिर भी मतलब ये कल उनने जब इनने मार पूर के गलो दबा के जो नाती है वो बोलो के पापा ने करैया मार दी किसी मतलब लड़ाई झगड़े में, और फिर इसके बाद इनने गलो दबा दो मार दो, फिर फांसी को बहानो ले लो। मैंने सबसे हती मतलब सास को कितने तो मारा है हम सब ने पट लें, और जब हम अपने घर से आए तो पुलिस वाले समझ की पहले हम जाएं और चौकी में मतलब रिपोर्ट लिखवाएं अपनी, तो दरोगा जी बोले कि नहीं हम तो तुम्हारे लड़की के पास हैं, इधर आ जाओ तो रिपोर्ट नहीं लिखवाओ। हमने कि साहब हमारी पहले रिपोर्ट लिखवाओ, आप हम रिपोर्ट करवो चाहो कि हमारी मोड़ी खान ने मारा रहो, उनने रिपोर्ट नहीं लिखी, हम तो जाके जरिया गए। जरिया के बाद फिर उनने जो कछु पंचनामा बोले यार तुम कैसे आदमी हो, तुम बोले तो दस्तखत कर दो पंचना, चलो हम रात में पलेरा लुवाएं जाते ही बस रात में चलो वाले उन्हें रिपोर्ट नहीं ली। क्या लगता है आपको परिवार वालों ने मारा है? हाँ परिवार वालों ने मारा है, पक्ष जांच चाहते हैं। हाँ पक्ष जांच चाहते हैं हम।